हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो बस दुनिया का माहौल जो है कितना पॉजिटिविटी से भरा हुआ चल रहा है। एकदम सुबह से सारे काम निपटा करके पूजा पाठ करना, सब चीज़ें करना, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा आए हुए हैं। घर घर में उनका विराजमान चल रहा है। तो बस हर गली मोहल्ले में, नुक्कड़ में, कहीं भी आप देखो, बस गणपति बप्पा के ही भजन कीर्तन चल रहे हैं जगह जगह। तो बस माहौल कुछ इस तरह का है, खुशनुमा तो मतलब अलग ही बात है। और मेरे भी घर में ना इसी तरह का माहौल छाया हुआ है। आपको बताऊं, इधर आप समझ लीजिए कई दिन हो चुके हैं, अभी तो विसर्जन की बारी आने वाली है। 5 दिन वाले जो लोग हैं उनके विसर्जन हो भी चुके हैं। तो बस सुबह जल्दी उठ करके 1 मिनट भी लेट नहीं करती हूँ मैं। और मैं 5:20 पे उठ गई थी, तो कुछ तो मतलब बच्चों के टिफ़िन का काम करके आई हूँ। और आज ना बच्चे ले के जाने वाले हैं इडली और चटनी, क्योंकि बच्चों ने एक दिन पहले ही बोला था। तो उसकी प्रिपरेशन जो है मैंने एक दिन पहले ही बैटर को पीसीस के रख दिया था। सुबह में उठ गया, बस इडली चढ़ा करके आई हूँ मैं इडली स्टैंड में। और बस फटाफट से यहाँ का बिस्तर इस्तर सही करके मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तब तक बच्चियाँ मेरी जो है नहा करके तैयार मुझे मिलेंगी, फिर मुझे उनकी चोटी करनी होगी। तो तब तक झाड़ू लगा देती हूँ मैं। 1 मिनट भी सुबह का अपना बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती हूँ। और सच यही है कि सुबह अगर आप 1 मिनट तो क्या 5 मिनट भी अगर बैठ जाओ ना कुछ, सिर्फ आप फ़ोन ही पकड़ लीजिए, तो आपका कब 1 घंटा बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो मैं तो ना गलती से भी फ़ोन छूती नहीं हूँ सुबह में, आपको बताऊँ। और कभी कभार अगर मैं छू लेती हूँ तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि मैं उस दिन लेट हो जाती हूँ। और सुबह अगर लेट हुई तो सीधे रात तक के लिए पूरा लेट लपाट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा घर का माहौल हो जाता है। घर में एकदम सुख शांति जो है ना भ्रष्ट हो जाती है, आपको बताऊँ, क्योंकि हमसे ही सब पूरी दुनिया हमारे परिवार की घर की शुरू होती है। अगर हम सब चीज़ें समय से करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे हस्बैंड, सभी लोग उस तरह से पूरा सब चीज़ें फॉलो करेंगे। तो बेटियां नहा धोकर के आ गई थी, इनकी चोटी कर दूंगी। चोटी करने के बाद तब तक इडली जो है बन करके तैयार हो जाएगी। और अंदर के जो दोनों रूम हैं दोनों में झाड़ू लगा के आई, किचन लगा दिया, सब पूरा लगा दिया, उधर के साइड पूरा, बस इधर का बचा है। क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों का सामान बहुत फैला था, तो वो मैं बच्चों के जाने के बाद ही करूँगी। तो मैं, मेरा कई बार काम ना इसी तरह टुकड़ों में हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में मुझे और चीज़ें देखनी होती है। इस वजह से यहाँ पर देखिए इडली बन चुकी थी, चटनी मैंने पहले ही बना ली। चटनी मैंने बनाई है मूंगफली की, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वैसे तो चटनी में ना मेरी बेटी लहसुन डलवा के जो मूंगफली में महाराष्ट्रियन स्टाइल चटनी बनती वो बनवाती है, कड़ी पत्ते का तड़का देके राई का। लेकिन लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि घर में गणपति बप्पा बैठे हुए हैं। तो इस वजह से तो बिना लहसुन के भी चटनी बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस मैंने वही बनाई है और बच्चों को टिफ़िन में दे दूँगी। और ये हल्का फुल्का नाश्ता ना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, तो सबसे ज़्यादा मेरे सिवाय को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कई बार मुझे ना उसकी वजह से भी बनाना ही पड़ता है। तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट इडली जो है बन करके तैयार हो चुकी है। और अभी बस 6:10 का टाइम हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अभी ये बच्चे अपना जो भी सॉक्स शूज़ वगैरह पहनना ये सब काम करेंगे, वाटर बॉटल। तो अभी यहाँ पर बच्चों को कर दिया है मैंने राधे राधे बाय श्री गणेश। तो हमारे यहाँ ना यूपी में बोलते हैं दही मछली। तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कहानी क्या मतलब, मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई थी। तो जब मैं महाराष्ट्र में अपने पतिदेव के साथ में रहने आई थी, तो हम लोग मतलब हमारे यूपी में ऐसे ही रहता है, जब घर से बाहर कोई निकलता है ना तो हम हमेशा राधे राधे या फिर कुछ भी अच्छा शब्द बोलते हैं भगवान का नाम लेकर के ही कहते हैं ना, घर से निकले परदेश होता है, कब घर से निकल के क्या हो जाए किसके साथ, इसलिए घर से निकलते समय भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। और हमारे यहाँ यूपी में एक और चीज़ बोली जाती है, दही मछली। तो हम लोग मतलब मेरे बच्चे ना, जब ये हस्बैंड मेरे ड्यूटी जाते थे तो मेरे बच्चे हमेशा छोटे छोटे थे, आरोहित 2 साल की थी और काव्या 2 की भी नहीं थी, छोटी थी, और काव्या थी 4 साल की, 4.25 साल की, जब हम रहने आए महाराष्ट्र में। तो आरोही काव्या चिल्लाती थी ऐसे, आरोही तो तब बोल भी नहीं पाती थी अच्छे से, काव्या चिल्लाती थी पापा दही मछली ले आना। तो बच्चे ना हम ही लोगों से सीखे थे खैर, तो हम लोग ऐसे बोलते थे। तो मेरे जो मकान मालिक थे तो वो महाराष्ट्र के ही थे, मराठी थे, तो वो हमेशा यही बोलती थी कि तुम लोग तो ब्राह्मण हो और मीट मच्छी नहीं खाते हो, फिर रोज तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों दही और मछली मंगाते हैं।
मैंने बोला, फिर मुझे उस दिन तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आई, मुझे बड़ा अचंभा भी हुआ कि ऐसे शब्दों के ऊपर बोलने से क्या नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता जो चीज़ हम बोल रहे हैं तो वैसे ही करते या नहीं करते, जो भी है। तो दही और मछली का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि दही बहुत शुभ होता है, आपको पता ही होगा, जब कोई एग्ज़ाम देने या कहीं जाता है शुभ कार्य के लिए तो दही उसको खिला करके और दही का टीका लगा करके भेजा जाता है। और मछली का नाम भी लेना वह बहुत शुभ होता है, इसलिए हमारे यूपी में ना दही मछली बोलते, दही मछली लेके आना ऐसे करके। तो जो लोग यूपी के होंगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनके यहाँ ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो देखिए बातें कितनी कर डाली और मेरे काम भी साथ में हो गए, बेटियाँ मेरी स्कूल चली गई, उनकी गाड़ी जो है 6:30 पे आ जाती है, 6:30 6:35 के अंदर। तो बेटियाँ जा चुकी हैं, उनको मैंने बालकनी से बाय भी कर दिया और उसके बाद फिर से लग गई मैं अपने घर के कामों में। तो इतना जल्दी जल्दी सब काम अगर कर लो ना तो पूरे दिन आपको बड़ा रिलैक्स रहता है, आप कुछ और अपने लिए या फिर अपने खुद के लिए या फिर अपनी आगे कुछ भविष्य के लिए आप कर सकते हैं। जो लोग भी वर्किंग है या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो छोटे बच्चों के लोग हैं जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सुबह में बच्चे सोए होते हैं, अगर आप सारे काम सुबह में निपटा देंगे ना तो पूरे दिन आप अपने बच्चे को समय दे पाएंगे, उसकी अच्छे से अच्छे केयर कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो मैं ऐसा ही करती थी कि मेरे बच्चे सोए रहते थे और मेरा काम चोरी चोरी चुपके चुपके सारा काम ख़त्म कर डालती थी, बिल्कुल भी मुझे अपने बच्चे पालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वरना जब मैं आरोही को लेकर के मतलब आई थी, और दूसरी जगह हम लोग पहले रहते थे भुसावल के अलावा, तब आरोही मेरी लगभग साल भर की भी नहीं हुई थी, ये समझ लीजिए दिसंबर में रहने आए और मार्च में आरोही नौ महीने की थी, नहीं मार्च में उसका बर्थडे पड़ता है तो दिसंबर में 9 महीने की थी। तो 9 महीना का लेकर के आए थे, फिर काव्या और थी 3-3 साल की, और सिवाय तो यहीं पर हुए महाराष्ट्र में। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जो कि मैंने अकेले ही पाले तीनों, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने किस तरह मैनेज की है अपने 3-3 बच्चों के साथ में। और फिर अभी जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब भी मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मैंने किस तरह अपनी इस जर्नी को काटा है सब चीज़ें मैनेज करते हुए बड़े अच्छे से। तो बस ऐसे ही होता है कि अगर हम कोई भी काम को ना सिस्टमेटिक वे से करें तो बड़ी आसानी से पूरा भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, और पूरे दिन का जो होता ना काम पड़ा है, बच्चा रो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना नहीं बना पाई, अरे आज तो ऐसा हो गया आज तो वो, कई बार हमारे आपसी रिलेशन भी ना इसी वजह से बिगड़ते हैं घर में। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हो रही है पूजा, हरे की गले में बैजंती माला। तो आजकल डेली ना मेरी 8:30 से पहले मतलब लगभग 8:20 8:15 से मेरी आरती चालू हो जाती है, और कहते गणपति बप्पा की ना सेम टाइम पे ही पूजा की जाती है, जैसे जितने बजे सुबह में कर रहे हैं उसी समय आप शाम में भी करें, एक मतलब टाइम फिक्स हो जाता है। तो हम लोगों ने आरती करने के बाद साथ में पी है चाय, क्योंकि हस्बैंड जी का जो टिफ़िन वगैरह है वो अभी रेडी करूँगी, थोड़ा सा टाइम था, ये वही 9 बजे के लगभग निकलते हैं घर से। तो आज ये बोल रहे थे कि मैं भी ये इडली चटनी लेकर के जाऊँगा क्योंकि इनको जल्दी लौटना था इस वजह से। तो भाई मैं तैयार हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं नीचे, सबसे पहले तो मैं आरती अटेंड करूँगी जो मतलब मेरी सोसाइटी में हुई है वो हो रही है वो। अभी देखिए 9 बज रहे हैं तो मेरी घड़ी ना आगे है इसलिए 9:30 दिखा रहा है, मतलब 9:10 हो रहे होंगे और 20 मिनट ही आगे है। तो उसके तुरंत बाद ले लिया है देखिए दुपट्टा, क्योंकि इसको बांध के जाऊँगी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ये ले ली है हॉस्पिटल की डायरी, और ये टंग गया है पर्स, फ़ोन ओन इसमें ही रख लिया है। तो उधर इधर मैं निकल जाऊंगी हॉस्पिटल, क्योंकि 9 बजे हॉस्पिटल में बुलाया था, तो आज मेरी जांच होनी है, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर चलते हैं फटाफट से, घर के सारे काम निपट चुके हैं, तो अब मैं यहीं पर करूंगी अपने वीडियो का एंड। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक कर दीजिए, और ख़राब लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, अपना प्यार अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। तो बस सुबह 4:30 से उठ करके एकदम मशीन जैसी लगी थी, अभी भी ना बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी भागती हूँ देर हो जाएगी, ठीक है।